हालेलुया हालेलुया ईश्वर को धन्यवाद दी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए आज के सुंदर दिन के लिए आज के अरेक्टी रविवार और आज एक और रविवार है जेई दिन हमरा ईश्वर वाक्य अपेक्षा करी और जिस दिन में हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए अपेक्षा करते हैं और आज के मानना आज के स्वर्ग के वार्ता हमारे जन प्रस्तुत आज और आज वो मानना और वो स्वर्ग का जो समाचार है वो हमारे लिए प्रस्तुत है आज के विषय होच्छे और आज का जो विषय है विश्वास ईश्वर और विश्वास का परमेश्वर द गॉड ऑफ फेथ द गॉड ऑफ फेथ ईश्वर कैनो विश्वास ईश्वर परमेश्वर क्यों विश्वास का परमेश्वर है हमरा कैनो तार ऊपर तो विश्वास करी हम लोग क्यों उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं आमादर कैनो उनार प्रति विश्वास करा उचित और हमारे लिए क्यों ये जरूरी है उनके प्रति विश्वास को लाना कारण विश्वास द्वारा हमरा मुक्ति पेते पड़ी क्योंकि विश्वास के माध्यम से हमें मुक्ति मिल सकता है जगते लड़ार जन्य जगते स्थायी थाकार जन्य जगते निजे के पवित्र रखार जन्य विश्वास ईश्वर प्रति रखार और इस जगत में लड़ने के लिए इस जगत में स्थायी रहने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है हम लोग यदि देखें प्रथम यूहन्ना तार 5 अध्याय 4 से 5 और अगर हम लोग वचन देखें पहला यूहन्ना उसका 5 का 4 से 5 शेखने बोलचे कारण जहां किछु ईश्वर होते जातो जहां किछु ईश्वर होते जातो ताहा जगत के जय करे एवं जे जय जगत के जय करियाछे ता ए আমাদের বিশ্বাস কে জগৎকে জয় করেছে করে কেবল সেই যে বিশ্বাস করে যিশু ঈশ্বরের পুত্র क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वो जगत पर विजय पा लेता है और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है वो है हमारा विश्वास जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है वही संसार पर विजयी होता है हालेलुया हालेलुया कारण जहां किछु ईश्वर होते जातो क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है जरा ईश्वर संतान तारा ईश्वर क्षमतार अधिकारी है एवं पवित्रता जीवन जापन करे और जो परमेश्वर के संतान होते हैं उनको परमेश्वर का हर क्षमता प्राप्त होता है और वो परमेश्वर के अनुजाई अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ये अधिकार ये क्षमता ताहा आमादर के जगत के जय करते सहाय्य करे और ये अधिकार ये क्षमता हमें जगत को जगत पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता करता है যে বিষয় আমরা জয় করি তা কিভাবে করি যে আমরা যিশুর প্রতি যে বিশ্বাস আস্থা ভরসা রেখেছি সেই বিশ্বাস আমাদেরকে জয় করতে সাহায্য করে আর ক্যা ও চিজ হে জো হমে বিজয় লাতা হে হামারে জীবন মে ও হে পরমেশ্বর কে প্রতি জো বিশ্বাস হে ও বিশ্বাস হি হামারে জীবন মে বিজয় লাতা হে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আমাদের শক্তি কে বাড়ায় আর পরমেশ্বর কে প্রতি জো বিশ্বাস হে ও হামারে শক্তি কো বাড়াতা হে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যায় আর পরমেশ্বর কে প্রতি বিশ্বাস হামে সহি রাস্তে পর লে যাতা হে আমাদের বিশ্বাস কে দৃঢ় করার প্রয়োজন আছে আর হামারে বিশ্বাস কো অর ভি মজবুত করনে কা জরুরত হোতা হে আমরা তার উপরে যেন আস্থা রাখতে পারি আর হাম উনকে উপর আস্থা ইয়া ভরসা রাখ সকে যদি যোহন 11 অধ্যায় 40 পদ দেখি আর ইহুন্না উসকা 11 কা 40 अगर हम लोग देखे যিশু তাহাকে কহিলেন আমি কি তোমাকে বলি নাই যে যদি বিশ্বাস করো তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে তখন তাহারা পাথর খান সরাইয়া ফেলিল আর ইয়া পে লিখা হুয়া হে ইয়েশু নে উনসে কাহা क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद उन्होंने क्या किया उस गुफा का जो पहाड़ है उसको उन्होंने हटा दिया हालेलुया हालेलुया ख्रिस्ट भाई बहन ख्रिस्ट भाई बहन हमारे विश्वास हमारे दुर्बलता पहाड़ के बा पाथर के सरिए दे और हमारा जो विश्वास है हमारे दुर्बलता का जो पहाड़ है जो पत्थर है उसको हमेशा के लिए हटा देता है हमरा ईश्वर के प्रति खुला मने से विश्वास रखते पड़ी ना और हम लोग खुले मन से या खुले हृदय से हम लोग उस विश्वास को नहीं रख पाते हैं एखनो पर्यंत हम लोग दोनों का ही पा दे चली और अभी भी हम लोग दो नाव पर पैर रखकर हम लोग चलते हैं हमारे विश्वास कथाई कथाई भेंगे जाए बाप हरिया जाए और बातों बातों में हमारा विश्वास टूट जाता है या फिर खो जाता है एक जन विश्वासी मुख से सुधु विश्वासी बोलने से विश्वासी होय ना और एक विश्वासी सिर्फ मुंह से जब विश्वासी बोलता है तभी वो विश्वासी नहीं बन जाता है विश्वासी पदक्षेप नेबार प्रयोजन আছে स्टेप नेबार प्रयोजन আছে और विश्वासी का जो है वो विश्वासी को कदम उठाना पड़ता है स्टेप लेना पड़ता है अपने विश्वासी यदि होन ताहले आपनाके स्टेप नेबार प्रयोजन আছে और अगर आप विश्वासी हैं तो आपको जिंदगी में आपको कदम उठाना
पड़ेगा या स्टेप लेना पड़ेगा। तीन दिन लाजर जखन कबरस्थ छिलेन और तीन दिन का लाजर जब वो तीन दिन तक वो कबर के अंदर था, यीशु जखन तार बंधुर काछे पहुंचाले और यीशु मसीह जब उनके दोस्त के पास पहुंचे, तार बंधुर कबर से ढाकना बा पाथर दिए ढाका छिलो और उनके दोस्त का जो समाधि है वो पत्थर से बंद था, पत्थर की गुफा में बंद था। तादर परिवार, तादर बोन, तादर बंधु बांधव से कथा विश्वास करते पाछिलो ना जे आज ही मिराकल होबे और उनका बहन, उनके परिवार, उनके दोस्त ये चीज को विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि आज एक आश्चर्य कार्य होने वाला है। तारा एक कथा मने कोछिलो शेष दिने आबार अमर भाई बेचे उठबे और वो लोग ये समझ रहे थे कि आखिरी दिन में मेरा भाई जीवित हो जाएगा। किंतु यीशु तादर के बोल लें, मगर यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि विश्वास करो, अगर विश्वास करते हो, यदि भरोसा करो, अगर भरोसा करते हो, यदि संपूर्ण रूप से हमारे ऊपर आस्था रखो और अगर संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर भरोसा रखते हो, ताहले पहाड़ेर से गुफा थे के पाथर के सराओ, तो पहाड़ के उस गुफा से पत्थर को हटाओ। क्रिस्टीय भाई बोल, क्रिस्टीय भाई बहन, यदि पाथर ना सरतो, अगर वो पत्थर नहीं हटता, यदि से विश्वास ना करतो, अगर वो विश्वास नहीं करता, और तारा यदि चले जातो, और अगर वो वहां से चले जाते, और जिसे को बोलतो थाक अपनी এত কিছু করার দরকার নেই, আমরা জানি সে বাঁচবে না। আর ও লোক কহতে কি রহনে দো ইয়েশু মসিহ, ইতনা কিছু করনে কা জরুরত নেই হাম জানতে হে কি ও ওয়াপস নেই আ সকতা। কবরের গুফা বন্ধ, কবর কা জো ইয়া সমাধি কা জো গুফা হে ও বন্ধ হে, সে মারা গেছে, ও মর চুকা হে, আর কিছু করার নেই, আর কিছু করনে কা নেই হে। তাহলে কি সে জীবিত হতো? তো কিয়া ও জীবিত হতা? খ্রিস্টত ভাই বোন, খ্রিস্ট ভাই বহন, তারা যিশুর কথা শুনেছিল, উনোনে ইয়েশু মসিহ কি বাতো কো সুনা, সেই বড় বিশাল আকারের পাথর, আর ও বড়া জো পাথর হে, তারা আবার সরিয়ে ছিল, উনোনে ফির সে উস পাথর কো হটায়া। আমার বিশ্বাস, হামারা বিশ্বাস হে, সেই পাথর সরাতে প্রচুর লোক লেগেছিল, আর উস পাথর কো হটানে কে লিয়ে বহুত লোগো কা জরুরত পড়া থা। এটাও মনে রাখতে হবে, মগর ইসকো ভি ইয়াদ রাখনা হোগা, সেই পাথর সেই গুফার মুখে ঢাকা দেবার জন্য প্রচুর লোক লেগেছিল, আর উস গুফা কে মুখ কো ঢাকনে কে লিয়ে ভি বহুত লোগো কা জরুরত পড়া থা। এবং তারা জানতো কত কষ্টকর, আর ও লোক জানতে থে কি ইয়ে কিতনা কষ্ট ওয়ালা কাম হে, তবু তারা তার উপরে বিশ্বাস করেছে। উসকে বাদ ভি উন লোগো নে উনকে উপর বিশ্বাস কিয়া, তার উপরে আস্থা রেখেছে, উনকে উপর ভরসা রাখা, এবং যখন তিনি বলেছেন এই পাথর কে সরাও, আর জব উন্নোনে কাহা কি ইস পাথর কো হটা দো, যখন তারা সেই স্টেপ নিয়েছে, আর জব উন্নোনে ও কদম উঠায়া, অবশ্যই কিছু মিরাকল হবে, আর অবশ্য ওয়াহা পে কিছু মিরাকল হুয়া, যখন পাথর সরবে, আর জব পাথর হটেগা, কিছু ঘটবে, কিছু ঘটেগা, কিছু হবে, কিছু হোগা, আর তাদের বিশ্বাস, আর উনকা বিশ্বাস, তাদের কষ্ট, উনকা কষ্ট, তাদের স্টেপ, উনকা কদম উঠানা, সেই পাথর কে সরানো, আর উস পাথর কো হটানা, আর মিরাকল শুরু, আর মিরাকল হোনা শুরু, তাদের স্টেপ বিশ্বাসের পদক্ষেপ তাদের লাইফে বা তাদের পরিবারে মিরাকল কে নিয়ে এলো, আর উনকে বিশ্বাস পর কদম উঠানা উনকে জিন্দেগি মে ইয়া উনকে পরিবার কে জিন্দেগি মে এক আশ্চর্য কার্য কে রূপ মে আ গয়া। তিন দিনের পচা গলা লাজার জীবিত হলো, তিন দিন কা সড়া হুয়া গলা হুয়া লাজার वो जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। আপনার বিশ্বাসের স্টেপ মৃত্যু থেকেও বড় মিরাকল করতে পারে। আপকে বিশ্বাস কা কদম মৃত্যু সে ভি জ্যাদা বড়া মিরাকল আপকে জিন্দেগি মে কর সকতা হে। আপনি সেই ঈশ্বর কে বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী কে রচনা করেছে, পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। আর আপ উস পরমেশ্বর কো বিশ্বাস করতে হে জিসনে ইস পুরে ব্রহ্মাণ্ড কো পুরে পুরে পৃথিবী কো উনোনে সৃষ্টি কিয়া হে রচা হে। আপনি সেই ঈশ্বর কে বিশ্বাস করেন বা তার উপরে নির্ভর করেন যেই ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব কিছু নয়। আপ উস পরমেশ্বর পর বিশ্বাস করতে হে জিস পরমেশ্বর কে লিয়ে কোই ভি চিজ নামুমকিন নহিং হে। শুধু তাই নয়, আর সিফ ইহি নহিং, তিনি আপনাকে আর আমাকে ভালোবাসে, ও আপসে আর হামসে প্রেম করতে হে, তিনি আমাদের প্রতি ভারগ্রস্ত, আর উনোনে হামারা সারে ভারো কো আপনে কন্ধে পর লিয়া হে, তিনি আমাদের জন্য স্যাক্রিফাইস করেছে, আর উনোনে হামারে লিয়ে কুরবানি দিয়া হে। সেই ঈশ্বর আমাদেরকে যে এত প্রেম করে, और वही परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, तिनी तार उपरे अमरा तार उपरे जखन विश्वास करी, और हम उनके ऊपर जब भरोसा करते हैं, और आमादेर विश्वासेर पदक्षेप जखन नी, और हमारे विश्वास का कदम जब हम लोग उठाते हैं, तखनी मिराकल घटे, और उसी वक्त आश्चर्य कार्य घटता है। अपनार बहु दिनेर प्रार्थना, आपके बहुत दिन का प्रार्थना, अपनार अनेक विषय रयेछे, आपका बहुत विषय है, किंतु आपनी जिस रूपे विश्वास करेन बटे, और हाँ हो सकता है कि आप
यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, किंतु अपनार माझे माझे ईश्वर प्रति विश्वास से दुर्बल हों, और आप बीच बीच में ही परमेश्वर के प्रति विश्वास पर आप दुर्बल हो जाते हैं, अपने ईश्वर के दूर सोते थके, आप परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं, आपनी चिंता करें जे एई विषय थाकले होयतो आमार समस्या समाधान होबे ना, और इस विषय में अगर हम रहेंगे तो मेरे समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा, अपनी सही हाल के निजेर कंधे तुले ना, और उस हाल को आप अपने कंधे पर उठा लेते हैं, सही परिस्थिति संगे निजे चेष्टा करे, और उस परिस्थिति के साथ खुद लड़ने का कोशिश करते हैं, अपना शक्ति अपना ज्ञान अपना बुद्धि द्वारा लड़े, आपके शक्ति आपके ज्ञान आपके बुद्धि के द्वारा आप लड़ते हैं, किंतु ईश्वर प्रति आस्था हारिए फेले, मगर परमेश्वर के प्रति जो आपका आस्था है उसको आप खो देते हैं, अपनी तार उपरे विश्वास स्थापन रखें ना, और आप उनके ऊपर विश्वास को स्थापित नहीं कर पाते हैं, सही मतन, और उसी तरह से यदि तार बंधुरा तार बोनेरा जो पाथर ना सरातो ताले लाजर जीवित होतो ना, और उनके दोस्त उनके बहन अगर उस पत्थर को नहीं हटाते तो लासर कभी भी जिंदा नहीं होता, हमरा ठीक ताई कोरी, और हम लोग वही करते हैं, हमरा पाथर सराते चाइना, हम लोग पत्थर को हटाना नहीं चाहते हैं, हमरा विश्वास से स्टेप नीते चाइना, हम लोग विश्वास के कदम को नहीं उठाना चाहते हैं, भाई बोन ख्रिस्ट भाई बहन अपने विश्वास से पाथर के सराते शुरू करो, आप विश्वास के पत्थर को हटाना शुरू करिए, विश्वास से पदक्षेप पाथर के हटा शुरू करो, विश्वास के कदम पर उस पत्थर को हटाना शुरू करिए, मिराकल अपनार काछे, क्योंकि मिराकल आपके कार्य आपके पास है, विश्वास द्वारा अपना जीवन में मिराकल होबे, और विश्वास के द्वारा आपके जिंदगी में मिराकल होगा, एटा ईश्वर प्रतिज्ञा, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, तिनी चान आमादेर जीवने मिराकल करते, वो चाहते हैं हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य करना, तिनी चान आमादेर चोखे जल के मुछे दीते, वो चाहते हैं हमारे आंखों से आंसू को पोंछ देना, किंतु आमरा विश्वास से स्थिर नय, मगर हम लोग विश्वास पर स्थिर नहीं रहते हैं, सेई जोन्नो मिराकल होय ना, इसीलिए आश्चर्य कार्य नहीं होता है, हालेलुया हालेलुया, ईश्वर के प्रति निजेदर विश्वास राखुन, परमेश्वर के प्रति खुद के विश्वास को रखिए, अपना विश्वास ईश्वर के प्रति राखुन, आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति रखिए, मार्क तार 11 अध्याय 22 पद बोले, मरकुस उसका 11 अध्याय का 22 में कह रहा है, जिसु उत्तर करिया ताहादी के कोइलेन ईश्वरे विश्वास राखो, और यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, हमारे विश्वास तार उपरे स्थिर थका उची, और हमारा जो विश्वास है परमेश्वर पर स्थिर रहना चाहिए, जखन स्थिर राखी, और जब हम लोग स्थिर रखते हैं, ताहले विश्वास की, तो विश्वास क्या है, हमरा जदि स्थिर आची विश्वासे, ताले एई प्रश्न केनो विश्वास की, अगर हम लोग विश्वास पर स्थिर है तो फिर ये प्रश्न क्यों आता है कि विश्वास क्या है, हमारे मने अनेक प्रश्न, हमारे हमारे दिल में बहुत सारा प्रश्न है, विश्वास की, विश्वास क्या है, अभी की चर्च जाए सेटा विश्वास ना, मैं जो मंडली में जाता हूँ वही विश्वास नहीं है, अभी की बाइबल पढ़ी सेटा विश्वास ना, मैं जो बाइबल पढ़ता हूँ वो विश्वास नहीं है, अभी की प्रार्थना करी सेटा विश्वास ना, मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो विश्वास नहीं है, किंतु आपने की सही विश्वास स्थिर आछे, क्या आप उस विश्वास पर स्थिर है, ताले विश्वास की, तो विश्वास क्या है, इब्रियो तार 11 अध्याय 1 पद बोले, इब्रानियों उसका 11 का 1 कहता है, और विश्वास प्रत्याशित विषय निश्चयता ज्ञान अदृश्य विषय प्रमाण प्राप्ति, विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हैं किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि ये है, हालेलुया हालेलुया, हमरा जा चाहे ता जनो हमरा स्थिर करनी हमी पे गेछि, और हम लोग जो चाहते हैं उस चीज पर हम लोग स्थिर हो जाएंगे कि हमें मिल चुका है, हमरा जनो तार जनो आबार रिपीट प्रार्थना ना करी, और उसी के लिए हम लोग फिर से रिपीट प्रार्थना ना करे, चारी दिखे दौड़ा दौड़ी ना करी, और चारों तरफ से भागा दौड़ी ना करे, ईश्वर एक वाक्य आसबे हमार काछे रिवील्ड होबे आमी नतून करे আবার আলো পাবো তারপরে মিরাকেল হবে তা নয় আমি যদি বিশ্বাস করেছি আমাকে তাতে স্থির থাকতে হবে যে হয়ে গেছে পরমেশ্বর কা এক বচন আয়েগা জো আপনে আপনে প্রতিশ্রুতি কো রিভিল করেগা ইয়া দিখায়েগা অর মেরে জীবন মে আশ্চর্য কার্য হোগা এসা নেই হে আপনে জো বিশ্বাস কিয়া হে উসকে উপর টিকে রহিয়ে অর ও চিজ আপকে জীবন মে পুরা হোগা কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কি করে টিকে থাকব আমি তো কিছু দেখছি না অর হাম লোগ কা প্রশ্ন হে কি কেসে টিকে রহেঙ্গে হামকো তো কুছ নজর হি নেই আ রাহা হে এখানে বলছে অদৃশ্য বিষয় প্রমাণ প্রাপ্তি অর ইয়াহা পে হে কি জো চিজ নেহি দিখ রাহা হে উসকে অস্তিত্ব কে উপর নিশ্চিত হোনা
যেটা দেখা যায় না তার উপরেই নিশ্চিত থাকতে হবে আর যে দিকটা নেই হে উসকে উপর হি নিশ্চিত রহনা হ্যাঁ আমি এখনো আমার কাছে উত্তর আসেনি কিন্তু আমি জানি আমি উত্তর পেয়ে গেছি আর হ্যাঁ আবি ভি মেরে পাস উত্তর নেই আয়া মগর মুঝে বিশ্বাস হে কি মেরা উত্তর আ চুকা হে আর এটা কেই বলে বিশ্বাস আর ইসি কো কেতে হে বিশ্বাস অবিশ্ব জিনিসের উপর নির্ভর করা আর যে চিজ দিকটা নেই হে উসকে অস্তিত্ব কে উপর হি ভরসা করনা এবং যা পাই নি তা পেয়ে গেছি তার উপরে স্থায়ী থাকা আর যে মিলা নেই হে ও যে মিলা নেই হে ও মিল চুকা হে इसके ऊपर विश्वास करना विश्वास एक प्रत्यय एवं आश्वास विश्वास एक प्रत्याशय है और आश्वास है যদি আমরা মার্ক তার 11 অধ্যায় 23 24 পদ দেখি আর अगर हम लोग देखते हैं मरकुस उसका 11 अध्याय का 23 और 24 সেখানে বলছে यहां पे इस तरह से बोल रहा है আমি তোমাদেরকে সত্য কইতেছি যে কেহ এই পর্বতকে বলে উপরিয়া যাও আর সমুদ্র গিয়ে পড়ো এবং মনে মনে সন্দেহ না করে কিন্তু বিশ্বাস করেছে যাহা বলে তা ঘটিবে তবে তাহার জন্য তাই হইবে এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলি যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচনা করো বিশ্বাস করিও যে তা পাইয়াছ তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে यहां पे कह रहा है मैं तुमसे सत्य कहता हूं यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे तो उखड़ कर समुद्र में जा गिर और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा तो उसके लिए वैसा ही होगा इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है वो तुम्हारा हो गया है हालेलुया वाक्यर जे मूल पद और इस वचन का जो जो मूल पद है सेटा আমাদের জানার প্রয়োজন কারণ এর কারণে আমাদের অনেক প্রার্থনার উত্তর আমরা পাই না আর ইসকে ইসকো হমে জাননা হে কি ইসকে মূল স্বরূপ হাম লোগো কো হামারে বহুত প্রার্থনাও কা উত্তর নেই মিলতা হে যা প্রার্থনা করেছি জো প্রার্থনা কিয়ে হে তার প্রতি আমরা যেন সন্দেহ না করি और जो प्रार्थना की है उसके प्रति हम किसी तरह से संदेह ना करे कि जन ईश्वर सुनते पेछे कि ना क्या पता परमेश्वर सुन पाया या नहीं उत्तर आसबे कि ना उत्तर आएगा या नहीं आमी के एक बार रिपीट करबो मैं क्या एक बार और रिपीट करूं आमी के उपवास रखबो मैं क्या उपवास करूं আমি কি লোককে বলবো প্রার্থনা করতে মানে কি লোগো সে কহু প্রার্থনা করনে কে লিয়ে আপনার বিশ্বাস প্রমাণ প্রাপ্তি যখন আপনি তার উপরে আস্থা রাখেন এবং সন্দেহ না করেন তখনই মিরাকল ঘটে আর আপনার বিশ্বাস প্রমাণিত হতা হে জব আপ আস্থা রাখতে হে জব আপ সন্দেহ নেই করতে হে তবি আপকে জিন্দেগি মে মিরাকল হতা হে আর এখানে সেই এই বাক্যে এই কথা বলছে আর ইস বচন মে ইহি বাতো কো কহ রাহা হে যদি আমরা বিশ্বাস করি अगर हम लोग विश्वास करते हैं पर्वत के यदि ऊपर गए समुद्र गए पड़ते बोली और पहाड़ से ये कहे कि तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर আর আমরা যখন পাহাড়ের কথা চিন্তা করি আর হাম জব পাহাড় কে বিষয় মে সোচতে হ্যায় আর কোন পাহাড় কে যদি বলি আর কিসি পাহাড় কো জাকে বলতে হ্যায় প্রথম ওয়ার্ড যেটা আমার ভেতরে বাজে সেটা এই সম্ভবই না পাহাড় উঠে যাবে और हमारे अंदर जो पहला शब्द जो होता है जो बचता है वो है ये संभव ही नहीं है कि वो पहाड़ उखड़ जाएगा এটাই হলো সন্দেহ করা यही है संदेह करना আমরা যে প্রার্থনা করি মনে প্রথমেই এটা আসে হয়তো হবে না আর हम लोग जो प्रार्थना करते हैं सबसे पहले यही आता है कि ये प्रार्थना पूरा ही नहीं होगा शायद पूरा नहीं होगा शायद पूरा नहीं होगा আর এই সন্দেহ আমাদের প্রার্থনার উত্তর আশা আটকে দেয় আর यही प्रार्थना हमारे প্রার্থনাও কা উত্তর আনা ये संदेह हमारे প্রার্থনা কা উত্তর আনা রোক দেতা হে খ্রিস্ট ভাই বোন আমি আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं আপনার বিশ্বাসের ভিত কে মজবুত করতে চাই आपके विश्वास का जो जड़ है उनको मजबूत करिए এবং আপনার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক এই ভাবে গঠন করতে চাই और आपके साथ परमेश्वर के संपर्क को इस तरह से हम लोग रचना चाहते हैं जाते আপনার সন্দেহ তাতে না থাকে ताकि आप आपका संदेह उस पर ना रहे और यदि ना थके और अगर ना रहता है तखन आपने यदि प्रार्थना करें तब आप अगर प्रार्थना करते हैं এখানে বলছি আমি তোমাকে বলি বলি যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচনা করো বিশ্বাস করিও যে তা পাইয়াছ और यहां पे लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने जो कुछ भी प्रार्थनाओं में मांगा है तुम विश्वास करो कि वो तुम्हारा हो गया है हो गया है हो गया है पाइयाछ हो गया है या मिल गया है तार पौरे उसके बाद ए वट्टा पालन करार पौर इस शब्द को पालन करने के बाद एक मध्य स्थिर हमार पौर इसके ऊपर स्थिर होने के बाद की घट में क्या घटेगा ताहाते तुम्हारे जन्नत आई हुई और
इसके लिए ये चीज तुम्हारे जीवन में पूर्ण किया जाएगा। जोकुन अपनी संपूर्ण भावे तार उपर विश्वास कर बे जे हुए गैचे तोकुन मिराकेलेर काज शुरू होबे। और आप जब ऐसा भरोसा करेंगे कि मेरा जो प्रार्थना है वो पूरा हो चुका है, तब जाके आपके जिंदगी में मिराकेल होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मिराकेल अपनार हाते ही रोए छे और आश्चर्य कार्य या मिराकेल आपके हाथों में ही है। आप नी पारें से मिराकेल के घटाते आप भी सकेंगे इस मिराकेल को घटाने के लिए। तार जुन अपनार फेथ संपूर्ण निर्भरता प्रदान करबे ईश्वरेर काछे जाते ईश्वर सेई प्रार्थनार उत्तर दीते पारे। और आपका विश्वास ही निर्भरता करेगा परमेश्वर के ऊपर ताकि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे। रोमियो 10:10 रोमियो उसका 10:10 कारण लोके हृदय विश्वास करे धार्मिकतार जन्य एवं मुखे स्वीकार करे परित्राणेर जन्य। क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से ही व्यक्ति धार्मिक ठहराया जाता है और अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसको उद्धार होता है। हालेलुया हालेलुया। अपना क्या ही बोले रखी आपको हम बोलना चाहते हैं अपना शुद्ध प्रार्थना उत्तर नहीं, आपका सिर्फ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं, अपना हृदय विश्वास से अपनी धार्मिक प्रमाण हो। आपके हृदय के विश्वास के माध्यम से आप धार्मिक प्रमाणित होते हैं। और बात को बोले धार्मिक गण जो कोई कार्य हाथ देता है तो कार्य है। और वचन कहता है कि धार्मिक गण जो कोई भी कार्य में हाथ देता है वो कृत कार्य होता है। एवं द्वितीय और दूसरा एवं मुखे स्वीकार करे परित्राणेर जन्य और मुंह से स्वीकार करता है उद्धार होने के लिए। अपना हृदय विश्वास ताते सील मोहर करे जखन मुखे आपने स्वीकार करे। आपके हृदय का विश्वास उसमें सील मोहर करता है जब आप मुंह से स्वीकार करते हैं। अब तखन शैतानेर अधिकार अपना जीवन थाके ना अपना परित्राण घटे और शैतान का अधिकार आपकी जिंदगी में नहीं रहता है मगर आपको उद्धार मिलता है। वेलकम टू ईश्वरेर राज्य बा परित्राण। स्वागत है आपको परमेश्वर के राज्य में या उसके उद्धार में। हालेलुया हालेलुया। आमी खूब आनंदित যে আপনাদের কাছে এই বিষয় উচ্চারণ করতে পারছি বা ঘোষণা করতে পারছি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আপনার জীবনে পরিত্রাণ আনতে পারে এবং ঈশ্বরের গৃহের দরজা আপনার জন্য খোলা। আর মে ইস চিজ কো বোলনে মে ইয়া ঘোষণা করনে মে বহুত আনন্দিত হুঁ কি আপকা আপকা জো বিশ্বাস হ্যায় ও পরমেশ্বর কি প্রতি হ্যায় আর পরমেশ্বর কা আশীষ আপকা দরওয়াজা আপকে লিয়ে খুল চুকা হ্যায়। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। মিরাকল শুরু হলো আর আশ্চর্য কার্য শুরু হুয়া আপনার জীবনে পরিত্রাণ নামলো আপকে জিন্দেগি মে আপ उद्धार मिला और अपना हृदय विश्वास से परिपूर्ण हो और आपका हृदय विश्वास में परिपूर्ण हुआ। आप एक्सेप्ट करून आप उसको ग्रहण करिए ताते स्थिर थाकून स्थिर रहिए उस पर और तार पथे चलून और उसके पथ पर चलिए। आमेन 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 आमेन।